नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन न्यूज पर। एनबीसीएन के तमाम दर्शकों को ईद उल अजहा और आषाढ़ी एकादश की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए डालते एक नजर आज की टॉप 10 खबरों पर। मुंबई में पेड़ गिरने से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। एक मराड़, एक गोरेगांव और एक वायकाला में हुई है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी है। उन्होंने लिखा है कि ये दिन सभी के लिए सुख और समृद्धि लाए, ये हमारे समाज में एकजुटता और सद्भाव की भावना को भी कायम रखे। ईद मुबारक। महाराष्ट्र के बीड जिले के पाटोदा तहसील में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 घायल हुए हैं। बुधवार की शाम को एक टेम्पो और स्कॉर्पियो के बीच आमने सामने हुई टक्कर में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। मुंबई, ठाणे और आसपास सुबह से ही जोरदार बरसात शुरू है, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को दिन भर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। राज्य के 12.5 करोड़ जनता के लिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा लाया गया है। सीएम शिंदे ने दावा किया है कि यह देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में बुधवार शाम को भीम आर्मी की चीफ चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी थी। हालांकि इस हमले में चंद्रशेखर बाल बाल बच गए थे, गोली उनको छूते हुए निकल गई थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया है। आदि पुरुष के दिन पर दिन गिरती कमाई मेकर्स के लिए एक बड़ी परेशानी की वजह बनती जा रही है। इस फिल्म को लेकर मेकर्स ने जो ख्वाब सजाए थे उतना ही बुरा हाल आदि पुरुष का अब सिनेमाघरों में हो रहा है। कहानी को नए जमाने के हिसाब से तैयार करके मेकर्स पूरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि कलेक्शन देखकर यह भी नहीं लग रहा है कि यह फिल्म अपनी लागत निकाल पाएगी। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी माइक्रोन ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए MOU साइन कर दिया है। माइक्रोन के भारत में निवेश करने से हजारों लोगों को नौकरियां भी प्राप्त होगी। आज पूरे विश्व का मुस्लिम समुदाय ईद उल अजहा अर्थात बकराईद बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। यह पर्व इस्लाम के पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा दी गई कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। इस्लामिक महीने के अनुसार जू अल हिज्जा के 10वें दिन और रमजान के 70 दिनों बाद बकराईद का पर्व मनाया जाता है। अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह 6:34 पर भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता 4.2 रही। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। एनबीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहेगा। फिर से एक बार तमाम दर्शकों को आषाढ़ी एकादशी और ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे साथ में एनबीसी न्यूज पर।